आज हम एक स्पेशल सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो कि है फोटोडायोड। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लाइट को सेंस कर सकता है और साथ ही साथ ये एक डायोड होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये लाइट को सेंस करता है तब जाके ये करंट को अलाउ करता है अपने थ्रू। कैसे करेगा चलिए यही देख लेते हैं। जैसे कि हमने बात किया, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, स्पेशल तरह का पीएन जंक्शन डायोड। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसा है जो कि डायोड के क्लासेस में हमने बात किया था, पीएन जंक्शन डायोड जब हम पढ़ रहे थे। तो उन बेसिक्स को अगर आप पहले क्लियर कर ले तो आपको ये फोटो डायोड का जो फंडामेंटल्स है वो बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप उन वीडियोस में जाके देखें, वहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं ये मान के चलता हूं अगर आप यहां तक पहुंचे हैं डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि जो रिलेटेड वीडियोस हैं उनका लिंक आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप YouTube के सर्च बार में भी जाके लिख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड EduPoint, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो जैसे कि हमने बात किया कि ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो सबसे पहले तो मैं पीएन जंक्शन डायोड बना लेता हूं। सो एक सेमीकंडक्टर स्लैब जिसके एक तरफ पी टाइप इम्प्यूरिटी और दूसरे तरफ एन टाइप इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। तो हमने ये मान लिया कि इस तरफ एन टाइप इम्प्यूरिटी मिलाया गया। एन टाइप इम्प्यूरिटी मतलब यहां पर पेंटावैलेंट एलिमेंट जो है इम्प्यूरिटी के तौर पे मिलाया गया, और इस तरफ जो है ये पी टाइप इम्प्यूरिटी मिलाया गया, दैट मीन ट्राई वैलेंट एलिमेंट को इम्प्यूरिटी के तौर पे मिलाया गया। ये है उसका जंक्शन। तो जैसे कि हमें पता है पी टाइप जहां पर इम्प्यूरिटी होता है वहां पर बहुत सारे होल्स बनते हैं, होल्स इन द सेंस कि इन जगहों पे ये इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब कर सकता है, कहीं से भी फ्री इलेक्ट्रॉन को ये अब्सॉर्ब कर सकता है और उस जगह पे उसका ऑक्टेट जो है एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। देखिए डिटेल्स में और ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने इस पे डिटेल्स पे बात कर लिया है। सो पी टाइप जो साइड है उसमें ऐसे होल्स होते हैं। सो मैं यहां लिख दूं ये सारे जो है ये होल्स हैं, और जो एन टाइप साइड है वहां पर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा हो चुका होता है। चूंकि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है तो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाता है, ऑक्टेट पूरा करने के बाद जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। सो यहां पर ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि करंट को कंडक्ट कर सकता है, ये होल भी करंट को कंडक्ट करता है अपने थ्रू। इलेक्ट्रॉन जब पास होता है होल के थ्रू तो हम कहते हैं वहां पर करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ऐसे डिफ्यूज किया जाता है एक तरफ होल्स बनता है दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है, लेकिन इस जंक्शन वाले रीजन में क्या होता है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाता है। जो भी जंक्शन के आसपास के नेबरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स को भर देता है। क्यों भर देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ऑक्टेट पूरा होने के बाद का इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आने से ऑक्टेट पूरा होके ये ज्यादा स्टेबल बन जाता है यहां का जो एटम्स है। तो इसीलिए ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन इन होल्स को भर देता है। तो एक छोटा सा रीजन से जो जंक्शन है उसके आसपास के छोटा सा रीजन से यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाते हैं और यहां जो होल है वो भी इलेक्ट्रॉन से भर जाता है। तो होल भी गायब हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया और होल भी गायब हो गया। तो एक छोटा सा रीजन हमें ऐसा मिलता है जहां पर कि कोई चार्ज करियर नहीं रहता है। इस रीजन में होल भी चार्ज करियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी चार्ज करियर है। यहां से देखे होल भी गायब हो गया, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। और देखिए यहां पर जब ये होल था और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन था तो ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव चार्ज था इसमें, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन था लेकिन उसके लिए रेस्पेक्टिव जो प्रोटॉन है उस एटम में था ऑलरेडी, तो ये चार्ज इसमें नहीं रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भले ही रहे
यहां पर होल रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी चार्ज नहीं है, यहां भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही इस न्यूट्रल रीजन से, और यह भी न्यूट्रल रीजन था, जैसे इस न्यूट्रल रीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहां पर आ गया, तो ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो गया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यहां पर एटम्स में उससे कम हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो जिस रेस्पेक्टिव एटम का था उस इलेक्ट्रॉन के लिए रेस्पेक्टिव एक प्रोटॉन भी था वहां पर, तो इसीलिए अनचार्ज था। अब वही अगर यहां से वो चला जाए तो ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो जाएगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस रीजन में, और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है तो यहां पर निगेटिव चार्ज बन जाएगा। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, और ये जो जो पोटेंशियल का डिफरेंस दिख रहा है इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, इसे कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। सिलिकन सेमीकंडक्टर के लिए ये पोटेंशियल बैरियर लगभग 0.7 वोल्ट का होता है। अब जब हम इसे बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे? फोटोडायोड बनाने के लिए हमें इसे रिवर्स बायस में जोड़ना पड़ता है। रिवर्स बायसिंग क्या होता है? आप सीधे इसे ऐसे जोड़ दे कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप मटेरियल की तरफ हो और नेगेटिव टर्मिनल जो है ये पी टाइप मटेरियल की तरफ हो। हमने ऐसे इसे जोड़ दिया तो ये बन गया रिवर्स बायसिंग। सो यहां पर, और फोटोडायोड काम भी रिवर्स बायसिंग में ही करता है, सो हमने कर दिया रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग अब क्या होगा? देखिए, जैसे ही रिवर्स बायस में हमने बैटरी को जोड़ दिया, अब बेहतर होता है कि आप यहां पर एक यहां पर लोड डाल दें, मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर एक रेजिस्टर डाल दें। रेजिस्टर डाल दिया हमने, तो जैसे ही हमने इसे पॉजिटिव साइड को एन टाइप के साथ, एन साइड के साथ, और बैटरी के नेगेटिव साइड को पी साइड के साथ जोड़ दिया, होगा क्या? ये यहां से करंट फ्लो करवाने का कोशिश करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करने का कोशिश करेगा और ये यहां से इलेक्ट्रॉन को सेंड करेगा। तो उससे होगा क्या? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा है इधर से, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चलिए बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमने मान लिया 3 वोल्ट है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। उसी इलेक्ट्रॉन को, उसी खाली जगह को यहां इन इलेक्ट्रॉन्स ने भर लिया और सब्सिक्वेंटली इन्होंने उस जगह को भर लिया। तो अब देखिए क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर आएगा, यहां पर आएगा पहले, फिर भी ये और भी उसे पुश करेगा अंदर की तरफ, तो यहां से फिर अगला होल में चला जाएगा, फिर यहां से अगला होल में चला जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि यहां पर देखें नेगेटिव पोटेंशियल है, वो उसे और आगे बढ़ने से, इस रीजन को पेनेट्रेट करने से रोकेगा। तो क्या हुआ, बैटरी हमने लगा दिया और उसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच गए और यहां से बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गायब हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, डिप्लेशन रीजन जो है ये चौड़ा हो गया। अब देखिए, बैटरी लगाने से डिप्लेशन रीजन ये चौड़ा हो गया और जो है पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया एक तरफ, इस तरफ ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, और इस तरफ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज में आ गया। तो अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर जो है, ये पोटेंशियल बैरियर अब बढ़ गया। ये तब तक बढ़ेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल बैरियर जो है, ये इसके बराबर ना हो जाए। तो अब पोटेंशियल बैरियर बढ़ते 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 ये जो है 0.7 वोल्ट से इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो गया। सो ये हमारा एग्जाम्पल जो है उसके हिसाब से ये 3 वोल्ट में पहुंच गया। इस प्रोसेस में, इस दौरान जो करंट का फ्लो होता है, जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसे ट्रांजिएंट करंट कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, नेग्लिजिबल अमाउंट के समय के लिए या नेग्लिजिबल पीरियड के लिए छोटा सा करंट फ्लो करता है, उसे ट्रांजिएंट करंट कहा जाता है।
अब जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, यहां भी 3 वोल्ट और पोटेंशियल बैरियर भी 3 वोल्ट का, तो अब और करंट फ्लो नहीं करेगा। आप अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो देखें, यहां पर हम इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि बैटरी जैसा ही कुछ है, ये जो पार्ट है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है ना 3 वोल्ट का। तो अगर मान ले आप एक बैटरी ऐसे लगाते हैं और एक बैटरी आप ऐसे लगाते हैं एक और 3 वोल्ट का, तो इसमें क्या करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। यहां पर रेजिस्टेंस है मान लें, दोनों ही 3 वोल्ट का बैटरी, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने का कोशिश कर रहा है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसी के कारण यहां पर करंट का फ्लो जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है पावर, दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम है। तो इस सिचुएशन में भी वही होगा, अब करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ट्रांजिएंट करंट बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम अगर इसे कुछ ऐसे स्पेशली कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो इसका टॉप है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ हो जो कि लाइट को अंदर आने दे, तो अब मान ले ये लाइट को अलाउ कर रहा अंदर आने में और कुछ फोटॉन्स यहां से अंदर आ जाता है। अब अंदर आके फोटोन के पास तो एनर्जी होता है, हमें पता है एक फोटोन का जो एनर्जी है ये बराबर होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एच न्यू, ये इसका एनर्जी है। अब वो एनर्जी मान ले यहां पर जो सेमीकंडक्टर एटम है, जो सिलिकॉन है, मान ले यहां पर सिलिकॉन, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, किसी को भी हमने एक आर्बिटरी एक एटम कंसिडर कर लिया। अब इस फोटोन को, किसी भी एक फोटोन को अगर इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर लेता है और फोटोन के पास सफिशियंट अगर एनर्जी हो कि ये इसे डिसलॉज कर सके, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को अब्सॉर्ब करके यहां से फ्री हो जाएगा। तो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया, दैट मीन ये यहां से एक बन गया खाली जगह, सो यहां पर बन गया एक होल। अब देखिए क्या होगा, आप इस रीजन को देखें, इस रीजन में क्या था, ये पॉजिटिव पोटेंशियल में और ये साइड नेगेटिव पोटेंशियल में था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहां पर बन रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बन रहे होंगे, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, फिर यहां पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन बना, फ्री इलेक्ट्रॉन बना, उसे ये पॉजिटिव साइड अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हो गया इस तरफ अट्रैक्टेड, और यहां पर देखें ये वाला जो एटम है ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। तो ये क्या करेगा, ये अगल बगल से इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करके ये जगह जो है ये भर जाएगा। ऑब्वियसली यहां से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन उन जगह को भर देगा। अब क्या दिखा आपको, हुआ क्या यहां पर, यहां पर देखे जैसे ही लाइट इंसिडेंट किया तो ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन अब और पतला हो जाएगा। डिप्लेशन रीजन अगर पतला होगा, यहां पर होल्स थे, डिप्लेशन रीजन अगर पतला होगा यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे यहां पर, तो डेफिनेटली अब डिप्लेशन रीजन थोड़ा सा पतला हो गया, ये बन जाएगा डिप्लेशन रीजन क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। डिप्लेशन रीजन पतला होते साथ इसका जो पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर अब 3 वोल्ट से कम हो जाएगा। 3 वोल्ट से कम हो गया, इसका मतलब यहीं पर अगर देखते हैं, मान ले 2 वोल्ट का ये बैटरी होता है और ये 3 वोल्ट का होता है, तो ऑब्वियसली ये करंट को सेंड करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे करंट फ्लो करेगा। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो 1 वोल्ट का होगा और उसी हिसाब से ये करंट को सेंड करेगा। तो यहां पर अगर 3 वोल्ट से थोड़ा भी कम हो जाता है वोल्टेज, या यहां पर मुझे कहना चाहिए पोटेंशियल बैरियर, तो फिर यहां से ये करंट को सेंड करेगा। यहां से ये करंट को सेंड तब तक करेगा जब तक कि वापस से इसका पोटेंशियल बैरियर 3 वोल्ट का ना हो जाए। मतलब क्या बना कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगा यहां पर, एक सफिशियंट फ्रीक्वेंसी का लाइट, सफिशियंट एनर्जी का लाइट, तो फिर वो यहां से इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज करेगा जिसके कारण पोटेंशियल बैरियर छोटा होगा। पोटेंशियल बैरियर छोटा होगा उसके कारण यही होगा कि इस सर्किट में हमें दिखेगा करंट। तो करंट हमें कब दिख रहा है, जब यहां पर लाइट इंसिडेंट कर रहा है।
इस तरह के करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। इसका मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट को सेंस कर रहा है। लाइट यहां पर इंसिडेंट करने से ही इस सर्किट से करंट का फ्लो हो रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम आगे के मुद्दों पर बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।